हमारा वेन्यू आ गया, मेरी जूती फंस गई। चढ़न चढ़न करना, गाड़ी का गेट वापस बंद। मैं सबसे क्यूटेस्ट यहाँ पे लग रही हूँ, मेरी मेकअप खराब है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शादी में और ये है लुबना का पूरा लुक। ये देखिए लुबना कितनी प्यारी लग रही है। और हमने रास्ते से गजरे लिए लेकिन दादा ने हमारे लिए एक एक गजरा लिया। मेरा भी गजरा दिखाओ, ये देखो मेरा भी एक ही गजरा लिया। अब जब मैं यहाँ से उठूंगी ना तो आप लोग अपना पूरा लुक दिखाऊंगी और मेरी मम्मा भी देखे कितनी खूबसूरत लग रही है। मम्मा ने गरारा पहना है और जब मम्मी तुमने क्या पहना है, सबने गरारा पहना है, इसने शरारा पहना है, उन्होंने नहीं पहना। तो जब मैं यहाँ से उठूंगी तो मैं आप सब लोगों को अपने पूरे पूरे लुक दिखाऊंगी। और ये है हमारा हॉल का टूर। लोग ये देखिए मम्मा कितनी प्यारी लग रही हैं। मम्मा अपना गरारा जरा ऐसे खोल के दिखाना है। ये मम्मा का फुल लुक है और ये मुंतहा का फुल लुक। सारे यहाँ के अपने फुल लुक दिखा दो। ये देखो ये वर्दा का फुल लुक है, ये वर्दा का फुल लुक है। लुबना तुम भी आ जाओ, लुबना तुम यहाँ से आ जाओ। ये देखें फुल लुक, पीछे इधर से आ जाओ, मेरी वीडियो बना। ये देखें ये लुबना का फुल लुक है। अब मेरा फुल लुक कौन दिखाएगा भाई, मेरा फुल लुक कौन दिखा रहा है? इधर आ रही हूँ, मेरा भी फुल लुक दिखाओ ना भाई। सारे लोग अपना अपना फुल लुक दिखा रहे हैं, सारे लोग अपना अपना फुल लुक दिखा रहे हैं, मेरा फुल लुक कोई भी नहीं दिखा रहा है। बच्चों का फुल लुक है, मेरा फुल लुक हसीन। और ये पता है कितने का शरारा है? ये है 17,000। कितनी बार बताएंगी सबको? 17,000 का मैंने ब्लॉग का टाइटल ये लगाया है, 17,000 का शरारा। 17,000 तो नहीं है, नहीं करोड़ भी नहीं, 17,000। क्यों हंस रही हो तुम? कैसे वाली, कुछ फनी तो नहीं था? ये हमारा उमर गाइस, ये वही बच्चा है जो मेरे मुन्ने की सालगिरह में था, है ना उमर? कैसा कॉन्सेंट्रेट किया है वही मोबाइल में। तो गाइस हम लोग शादी से हो चुके थे फ्री, बल्कि नहीं हम फ्री नहीं हुए थे क्योंकि अभी हमारी रुख्सती होना बाकी थी और हम लोग अपनी आधा फंक्शन छोड़ कर आए क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि लुबना का आज जो है वो डिपार्चर है और हमें उसे ड्रॉप करके आना है एयरपोर्ट। तो हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, मैं रजा और लुबना। लुबना कहाँ है? ये रही लुबना। वो लुबना कैसा लगा तुम्हें आज का इवेंट? अब कब आना होगा? क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज होती है, ये छोटा सा टाइम कब गुजर गया, मतलब इतना लॉन्ग टाइम था, एक महीना था पूरा, लेकिन यार कब गुजर गया पता भी नहीं चला। तो हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते पे, ये हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट और फिर आपको एयरपोर्ट जाके जो है ना हम लोग ये देखें गाइस, रात का 12:30 बजने वाला है ऑलमोस्ट और PSL की वजह से ये देखें इतना ज़्यादा रश है इस वक्त पे। सारे रोड जाम करके रखे हुए हैं और रोड ब्लॉक भी करके रखे हुए हैं। अब हम वे ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ से मिले वे और हम लोग कब पहुँचेंगे। बस हमारे मुल्क का ये है कि कहीं भी आपको जो है ना मुतबादल रास्ता ऐसे ही मिलता है, धक्के ख्वारी करके और रश के साथ। अपना भी टाइम कितना रह गया? दो घंटे है ना, तो इंशाल्लाह तब तक तो गाइस हम लोग पहुंच ही जाएंगे। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट की हदूद पे और अब यहाँ पे हमारे चीज़ों की चेकिंग वैकिंग होगी। ये देखिए ये है कराची एयरपोर्ट का सिग्नल। तो लुबना से पूछ रहे थे, लुबना कैसा लग रहा है? लुबना दिल दिख दक कर रहा है, जाने का अफसोस हो रहा है? किस चीज़ का अफसोस हुआ है? जाने का अफसोस हो रहा है, क्यों हो रहा है? घर आके एंजॉयमेंट होती है ना। वैसे हम पाकिस्तान से बाहर आके ना अपने मुल्क को कितना भी मिस करें गाइस, पाकिस्तान और अपना घर अपना ही घर होता है। हम चाहे जितनी भी लग्जरी लाइफ ले रहे हैं, कुछ भी कर लें, एम्प्लॉयमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपना घर ना वाकई अपना ही घर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लाइट मिस होगी तो क्या करूँ? अगर होगी, इनकेस होगी, फिर क्या होगा? लेकिन जाना जरूरी है ना। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। ये देखो मेरा दूसरा फोन जो है ना बार बार लुड़कियाँ शुड़कियाँ खा रहा है।
चलो हम चले। मुझे बोले शादी में जा रही है। दोबारा बोलो। लोग बोले शादी में जा रही है। हाँ, तो मैं जो तैयार होकर बैठी हूँ इतना एयरपोर्ट वाले, ये सारे जो देखो कितनी लंबी लाइन है, डिपार्चर पे कितनी लंबी लाइन है। लेकिन ये दूसरी फ्लाइट पे तो जा रही होती है ना, इस वजह से रश रवानगी पे। देखिए गाइस, ये कार पार्किंग है उस तरफ, वहाँ पे आपको पता होगा कराची में रहने वालों को कि वहाँ पे मैकडोनल्ड है, और ये आके तला की गाड़ी खड़ी है, मुझे नहीं पता तला कौन है, और ये रवानगी है। तलाक जनरल लेके जा रहा है भर के उम्रे के लोग। तुम्हें कैसे पता ये उम्रे के लोग? अंकल ने देखो क्या पहना। नहीं नहीं, वो मुझे कुछ और लग रहा है, ऐसा लग रहा है दो भालू बैठे हैं गाड़ी के अंदर। भालू नहीं है, अंकल है। अंकल है, आंटी वो अंकल है, लड़की है वो, बच्ची है छोटी, इस तरफ सीधे हाथ पे अंकल है। हाँ, इन्होंने आराम पहने हैं। सही 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 कह रही हो। सही लगता है तुम्हारा एयरपोर्ट आ चुका है, और ये देखो कितनी लंबी लाइन है। मुझे समटाइम ये लगता है कि इतनी ज्यादा फ्लाइट होती है ये उम्रे की वजह से ना, इतना ज्यादा रश हो रहा है लुबना, है ना। चलो गाइस, आ गया है एयरपोर्ट। वहां तक बैग के खींच के लेके जाओगे? आगे लगा लो। बहुत ही रश है गाइस, और लुबना का चेक इन खत्म होने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। लुबना, इस बार भी तुम्हें ना बोर्डिंग पास मिलेगा बिजनेस क्लास का। बोलो इंशाल्लाह। ये देख कितना ज्यादा रश है, और यहाँ पे इस सब पता है क्यों रश है? क्योंकि सारे लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, इसलिए इतना रश है। और मेरे ध्यान से ही बिल्कुल निकल गया था कि रात की फ्लाइट में वैसे भी रश नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा रश है। भाई खासा हम यही उतर जाते हैं, बैग तो लेके चले आगे। आ रहा है पार्क करके, उधर से आओ। बहुत रश है, कहाँ से जाएंगे? रश हो रहा है, लाइन में लगो फटाफट से, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उस तरफ जाना पड़ेगा, ये बिजनेस क्लास है, इस तरफ से। इसका चेक इन बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। एक तो वैसे ही हम लोग इतना दूर से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, चलो सही है, जाओ अंदर जाओ। चलो तो लुबना को हम लोगों ने कर दिया ड्रॉप, और इतना ज़्यादा रश था, आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा रश था ना। तो बस दुआ करें कि उसको चेक इन मिल जाए, और इंशाल्लाह उसको चेक इन मिल ही जाएगी, क्योंकि डिपार्चर में एक घंटा रह गया था और चेक इन होने में एक ही घंटा रह गया। और मैं काफ़ी देर से रजा को ढूंढ रही हूँ यार, पता नहीं कहाँ पार्किंग की, ऊपर पार्किंग नहीं थी तो उसको मना कर दिया था कि भाई अब नीचे पार्किंग में गाड़ी लेके चले जाओ, तो वो उसे गाड़ी नीचे लेगी। अब मैंने ऊपर सिविल एविएशन वाले से उसको कॉल करवाई है, फिर मुझे पता चला कि जनाब जो है मैकडॉनल्ड के सामने वाली पार्किंग पे खड़े हैं। अब मैं जा रही हूँ उसके बाद, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ हुआ था। वाकई समटाइम जब इतना रश होता है, इन लोगों को कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन लोग कॉपरेट नहीं करते हैं। तो पहले मैं रज़ा को ढूंढूंगी कि रज़ा कहाँ पर है, और फिर देखते हैं कि उसका मूड कैसा है। आ चुके हैं जी घर, और हमारा इवेंट बहुत अच्छा गुजरा, और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी निमट चुकी हैं। लुबना को भी एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रश था ना, क्योंकि फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, उम्रे के लोग जा रहे थे यार। और रज़ा को ढूंढने में तो मुझे इतनी भी परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई कि मैं खुद परेशान हो गई थी, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। तो फिर रज़ा को ढूंढा, रज़ा ने मुझे वहाँ से पिक किया, और हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं आराम से। लुबना को मैंने अभी कन्फर्म किया है, उसका चेक इन भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बस जो रश था वो सिर्फ बाहर ही था। और अब उसकी बोर्डिंग होने वाली है, वो साफ खैरियत से पहुँचे। आप लोग दुआ करना ज़रूर,
और मेरा लुक आप लोगों को आज कैसा लगा मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ फिर से। ये देखें गाइस, ये है मेरा लुक। अगर आप लोगों को मेरा लुक अच्छा लगा, अगर आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा और मैं कैसी लगी आपको, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपको पता है कि वहाँ पे इवेंट में मेरे जो मेरे फ़ैन भी मिल गए थे, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों में से और बहुत से जाने वालों में से लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करी क्योंकि रात के 2:30 बज चुके हैं। सुबह जो है वो वॉकिंग डे और जुम्मा है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जुम्मे वाले दिन कराची में रेड अलर्ट है बारिश की। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, और आप लोग भी अपने लिए दुआ किया करें, मेरे लिए दुआ किया करें। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारे ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।